How to fix Instagram pronounce option not showing. Hey guys, in this video मैं आपको बताऊंगा Instagram पर हमें pronounce का जो option है वो show नहीं किया जा रहा, pronounce option show नहीं हो रहा, तो इस problem को fix कैसे किया जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो like करें और हमारे channel को हो सके तो subscribe भी कर लें। तो basically यहाँ पर हमने हमारा Instagram का profile खोला है। जैसे हम edit profile के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे प्रोफाइल को एडिट का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन बेसिकली यूज़र नेम के नीचे प्रोनाउंस लिखा आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने जो है प्रोनाउंसेस का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। इसको फिक्स करना काफ़ी इजी है। सबसे पहले ये क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है वो समझते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका जो अकाउंट है वह बिजनेस अकाउंट है तो उस बिजनेस अकाउंट में प्रोनाउंस का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो हमारा अभी अकाउंट है वो प्रोनाउंस नहीं दिखा रहा, बिकॉज हमारा जो अकाउंट है वह एक बिजनेस अकाउंट है और इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट में प्रोनाउंसेस का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको करना है, अगर आपने अपना गलती से या फिर जानबूझकर इसी से ही बिजनेस अकाउंट कर रखा है तो उसको आपको नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल अकाउंट कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी और काफ़ी सिंपल है। वो किस तरह से किया जाता है, इसके लिए हम अपने फ़ोन की जो है इंस्टाग्राम पर सेटिंग को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो आपको है सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर सेटिंग हम आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर आना है प्राइवेसी सिक्योरिटी वगैरह के ऑप्शन में, हमें यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, अकाउंट वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। अकाउंट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें यहाँ से हमारा जो है अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में तब्दील करना है। यहाँ पर हम अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने अकाउंट जो लिखा है इसके ऊपर हमें फिर से क्लिक कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर फिर से हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो है स्विच अकाउंट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको लिए वो भी लेकर आया हूँ। यहाँ पर हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, स्विच अकाउंट टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें बोला जाता है स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक किया हमने और हमारे आपसे फिर से एक बार स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ पर एक बार आपसे बोला जाएगा अगर आप स्विच टू पर्सनल अकाउंट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होगी। यहाँ पर एड्स वगैरह जो है वो चली जाएगी। बेसिकली हमें एड्स वगैरह नहीं है हमारे अकाउंट पे, तो स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर हमने क्लिक किया और हमारा जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में तब्दील हो चुका है। अब हम फिर से बैक जाते हैं, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में आते हैं एंड यहाँ पर हमें अब जो है स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। फिर से एक बार यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया है। यहाँ पर आपको कोई भी एक चूज़ कर लेना है, जो भी आप चूज़ करना चाहे। एज अ क्रिएटर के तौर पर हम आते हैं एंड उसके बाद हमारा जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम एडिट प्रोफाइल में चले जाएंगे। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में हमें आना है। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर हमारे सामने जो है कुछ समय यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि प्रोनाउंस का ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं आएगा। यहाँ पर 24 आवर में आपको जो है प्रोनाउंस का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रोनाउंस का ऑप्शन 24 आवर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमने जो है बिजनेस अकाउंट टू प्राइवेट जो है पर्सनल अकाउंट में तब्दील किया है। मतलब इसे थोड़ा अपडेट होने में टाइम लग जाएगा, लेकिन ये अपडेट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।